हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहां हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो पिछली क्लासेस में हमने कुछ रूल्स को देखा था और आज हम पढ़ेंगे कुछ नए रूल्स के बारे में कि किस रूल के हिसाब से क्या सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या उसकी वर्ब होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे कौन से सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं या प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले रूल की तरफ, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इस आज का रूल है कि जब सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? विच, हू, दैट, इटीसी। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, ये हमें देखना है कि सब्जेक्ट में जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन होगा, हू होगा, विच होगा, दैट होगा, तब वर्ब इसके एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट की अगर बात की जाए, एंटीसीडेंट की बात की जाए, ए एन टी ई सी ई डी ई एन टी, एंटीसीडेंट के अनुसार होता है, होती है। ठीक है, ये हमने रूल कह दिया कि जब सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तब वर्ब इसके एंटीसीडेंट के अनुसार होती है। तो अब ये वर्ड कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर रहा हो कि यार ये एंटीसीडेंट क्या होता है, ये कहां से आ गया। तो एंटीसीडेंट वो नाउन या प्रोनाउन होता है, वो वह नाउन या प्रोनाउन होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयोग की लिखा गया होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। इसका मतलब क्या है भाई? सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक नाउन या प्रोनाउन होगा, वो सेंटेंस कुछ कहेगा, उसके बाद हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, उसके बाद एक और पार्ट होगा। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन विच, हु, दैट से पहले अगर कोई भी नाउन है या कोई भी प्रोनाउन है तो वो क्या कहलाएगा? उसका एंटीसीडेंट कहलाएगा। और एंटीसीडेंट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, एंटीसीडेंट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं एक बार। जैसे हमने कहा द मैन हु डैश हेयर is my friend, is our am। मान लीजिए हमने तीन वर्ब यहां पर दी और हमें यहां पे फील करना है सुटेबल वर्ब। ठीक है, तो who क्या है भाई? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। who क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके एंसीडेंट की अगर बात की जाए तो एंसीडेंट क्या था? वह नाउन या प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। मैन क्या है? कॉमन, कॉमन नाउन है। क्लियर है ये सबको? तो जब ये कॉमन नाउन हुआ तो ये एंटीसीडेंट हुआ कि नहीं हुआ? एंटीसीडेंट यही हुआ। और एंटीसीडेंट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, एंटीसीडेंट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। यानी कि यहां मैन क्या है? सिंगुलर है, तो यहां पर वर्ब भी हमारी इज सिंगुलर फील कर दी जाएगी। अगर यहीं पे आ जाता कि दोज मेन हु, यहां पे अगर चलिए इसको लिख के दूसरा देते, द मैन है यहां पे, हमने सेंटेंस को यहां पे कर दिया, दोज मेन हु डैश हेयर आर माय फ्रेंड। ठीक है, और यहां पे हमने कह दिया इज आर एम। इनकेस मान लीजिए हमने ये आर भी मिटा दिया, यहां भी हमें वर्ब ही फील करनी है। ठीक है, यहां पे तो हमने दे रखी थी, यहां हमें दो वर्ब फील करनी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन हमें दिख रहा है हु, जब रिलेटिव प्रोनाउन बन गया हु, तो रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले नाउन आएगा वो क्या होगा? उसका एंटीसीडेंट बन जाएगा। और एंटीसीडेंट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर,
प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, ये मेन क्या है, मेन हमारा प्लूरल है, तो इसमें से प्लूरल वर्ब कौन सी होगी, आर, हम यहाँ पे फिल कर देंगे आर, और यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब आर, ठीक है। पहला हम सिर्फ एंटीसीडेंट को देखना है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, ठीक है। तो आई होप ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नया रूल क्या कहता है, चलिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वही एंटीसीडेंट कहलाता है, यानी कि जब सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग हो तब ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन ही एंटीसीडेंट माना जाता है। माना जाता है और वर्ब भी उसके अनुसार होती है, इसी के अनुसार प्रयोग की जाती है। अर्थात अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है, यानी यहां पे हम लिख दें सिंगुलर एंटीसीडेंट, तो भाई वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब, और हमने कर दिया प्लूरल एंटीसीडेंट, तो यहां पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर हमारे सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग है और ऑफ के बाद आने वाला कोई भी नाउन है तो वो क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट कहलाएगा, और वर्ब उसी एंटीसीडेंट के अनुसार प्रयोग होगी। अगर वो एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, वो एंटीसीडेंट प्लूरल है तो हमारी वर्ब क्या कहलाएगी, प्लूरल कहलाएगी, प्लूरल का ही इस्तेमाल होगा। जैसे हमने कहा शी इज वन ऑफ दोज, ठीक है, सी इज वन ऑफ दोज, ऐसी कंडीशन में हमें सी भले मिल रहा है लेकिन इसके बाद हमें वन ऑफ का भी प्रयोग मिल रहा है, और फिर यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन Who not accept, ठीक है, जो क्या करते हैं, accept नहीं करते हैं this view, इस दृश्य को या इस बात को accept नहीं करते हैं, या accept money, जो money को accept नहीं करते हैं, कोई भी word यहां पे आप लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने यहां पे कर दिया do और does, ठीक है। तो भले सेंटेंस का सब्जेक्ट सी है, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, शी, सी के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, लगना तो डज चाहिए, लेकिन हमने कहा कि जब सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग हो तब ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही एंटीसीडेंट कहलाता है, ये क्या बन गया भाई, एंटीसीडेंट बन गया, और वर्ब क्या होगी, इसके अनुसार प्रयोग की जाएगी, अब सी के अनुसार से वर्ब का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो दोज है ना, दोज प्लूरल है, तो यहां पे हमारे प्लूरल वर्ब क्या है, डू, हम क्या फील करेंगे, डू, भले हमारा पहले पार्ट में सी है बट हम फील करेंगे डू को। जैसे हमने कहा आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से एक हूं, हु नॉट ड्रिंक टी, जो चाय नहीं पीते, यहां पे हमें मिल गया डू डज, ठीक है। आई एम वन ऑफ दोज हु डू या डज नॉट ड्रिंक टी, ऐसी कंडीशन आई तो भाई हमारा आई भले है तो आई के हिसाब से तो हम एम कर देते, लेकिन नहीं, यहां पे क्या है, दोज है,
दोष बन गया एंटीसीडेंट और उसके अनुसार डू का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहां रूल लिखवाया गया कि जब सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग हो तो अब आपके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ही एंटीसीडेंट माना जाएगा और वर्ब इसी के अनुसार से होती है। तो ये रहा हमारा दूसरा रूल, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अपने एक और रूल की तरफ। और वो रूल क्या कहता है भाई, जब दो नाउन या प्रोनाउन यानी दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को, जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है तब वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है भाई, प्लूरल होती है। जैसे हमने कहा राम एंड श्याम, यहां पे हमने कहते हैं गोइंग टू मार्केट इज आर, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल हमने वर्ब दे दी। तो राम एक नाउन है, श्याम एक नाउन है, जब दोनों को एंड से जोड़ा गया तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी और प्लूरल वर्ब है आर। अगर यहीं पे कह दिया जाता आई एंड श्याम तो कभी सेंटेंस नहीं बनेगा, मैंने कहा ही एंड श्याम, वह और श्याम बाजार जा रहे, तो भी सेंटेंस में आर ही भरा जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, प्रोनाउंस का सिक्वेंस प्रोनाउन हमेशा 3-2-1 के सीक्वेंस में आते हैं। थ्री टू वन के सीक्वेंस में होते हैं, यानी सबसे पहले थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा, फिर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा और लास्ट में क्या होता है भाई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। अगर सेंटेंस में कभी भी पहले फर्स्ट पर्सन यहां पे आई कर दिया गया तो सेंटेंस गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए, हमेशा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, यू एंड वी, एंड लास्ट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। यानी सेकेंड पर्सन का यू था, फर्स्ट पर्सन का आई और वी होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन आपको पढ़ाया गया आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है यू सेकेंड पर्सन, और ही सी इट या दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, ही शी इट दे क्या है भाई, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। प्रोनाउन की क्लास पीछे अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रूल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।